हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नजर स्टाइल चिकन कोरमा। तो उसके लिए हमने एक कुकर में लिया है तकरीबन 300 ग्राम ऑयल और उसके अंदर हमने डाली अपनी 300 ग्राम प्याज चॉप करके और उसे गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया। जब हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो गई तब हमने उसको बाहर निकाला और एक प्लेट में अलग रख दिया ठंडा होने के लिए ताकि वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। फिर उसके बाद हमने बचे हुए ऑयल में अपना डाला चिकन। चिकन हमारा तकरीबन 1.5 किलो था और फिर ऊपर से डाले हमने कुछ खड़े मसाले जैसे 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 1 अदरक का लच्छा और 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1 जावित्री डालकर और 1 चम्मच जीरा डालकर कर इसको छोड़ दिया 2 मिनट। फिर उसके बाद हमने ऊपर से डाला इसके अंदर और भी कुछ सामान, जैसे हमने इसमें अंदर डाला 3 टीस्पून हमने इसके अंदर डाला अपना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाला हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डाला हमने नमक और तकरीबन 200 ग्राम हमने इसके अंदर डाला दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए और इसको पकने के लिए रख दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट। आपको पानी नहीं डालना है इसके अंदर, दही खुद पानी छोड़ता है और जब ये थोड़ा सा मतलब खुश्क हो जाए, इसका पानी खुश्क होने लगे तब हमारी जो प्याज हमने फ्राई करी थी उसको हाथ से क्रश करके हमें इसके अंदर मिला देना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको फिर से पकाना है। जब आपकी ग्रेवी मसाला छोड़ दे और ऊपर तरी छलकने लगे तब समझ लीजिए आपका सालन तैयार है और इसकी हीट भी निकल गई है और गोश्त भी गल चुका है। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर 1 चम्मच गर्म मसाला डालना है सारा और इसे 1-2 मिनट तक फिर पका लें। ये देखिए तैयार हो गया हमारा नजीर स्टाइल चिकन कोरमा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। I'm going to go to the next one.